देशभर में रक्षाबंधन की धूम है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। हम आपको राखी की तीन तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़, कश्मीर के उरी और उज्जैन की होंगी। अलीगढ़ में महिलाओं ने पीएससी जवानों को राखी बांधी, वहीं बारामूला में उरी में महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। उधर मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन की तीन खास तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए कैसे बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती नजर आ रही हैं। सेना के जवानों को भी रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधकर एहसास कराया गया कि वो अपने घरों से भले ही दूर हैं, लेकिन जहां पर भी उनकी पोस्टिंग है वहां पहुंचकर इन बहनों ने राखी बांधकर उनको एहसास कराया कि वो अपने घर परिवार के लोगों के बीच में है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पीएससी के जवानों को राखी बांधी गई। और तीसरी तस्वीर उज्जैन महाकाल की है, जहाँ पर महाकाल को भी राखी बांधी गई। तो रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने दिल्ली में बच्चों से राखी बंधवाई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री मोदी हर साल रक्षाबंधन के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों से राखी बंधवाते हैं। आप देखिए तमाम बच्चियां आज पीएम आवास पर पहुंची और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने राखी बांधी और पीएम ने भी सभी को प्यार दुलार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राखी बंधवाई है, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, साझा करेंगे आपके साथ। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं आप। तमाम बहनें आज उनके आवास पर पहुंची और उनको राखी बांधी। सीए के जरिए नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राखी बांधी है। इन महिलाओं ने पीयूष गोयल के दफ्तर पहुंचकर राखी बांधी। उन्होंने पाकिस्तान मूल की हिंदू बच्ची नागरिकता से भी मुलाकात की। इस छोटी बच्ची से मिलकर मंत्री पीयूष गोयल बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे नागरिकता नाम तब दिया था जब उसे भारत की नागरिकता दी जा रही थी। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि आज राखी पर्व के अवसर पर आप सभी से मुलाकात करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, जैन, सिख और ईसाई धर्म से जुड़े अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हमेशा करता रहेगा। तो देशभर में रक्षाबंधन की धूम है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी है। सेना के जवान अपने घरों से दूर हैं, ऐसे में इन महिलाओं ने रक्षाबंधन का त्यौहार जवानों के साथ मनाया है। ये जवान है, ये अपने घर से दूर रहते हैं यहाँ पर आके, तो इनको बहनों को ये मिस करते हैं, तो हम इनको हर साल आके राखी बांधते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनसे रक्षा मांगते हैं। और ये ऑलरेडी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके जवान, तो ये हमारी रक्षा है। पर ये हम इनको एक प्यार, एक बंधन में बांधते हैं कि आपसे हम आपकी बहन है, तो इसलिए हम इनको रक्षाबंधन बांधते हैं। उधर शाहजहांपुर की जेल में आज सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है, जहां बहनों ने जेल में पहुंचकर सभी कैदियों और जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। शाहजहांपुर की जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम बहनें जिनके भाई किसी न किसी केस में जेल में बंद हैं, उन्होंने जेल पहुंचकर इन सभी भाइयों को राखी बांधी और साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राखी बांधी। और अब खबर कानपुर से है। यूपी में रक्षाबंधन पर्व पर आज महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही हैं। रोडवेज की एसी बसों में भी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त है। महिलाएं सरकार के इस कदम से खुश हैं और योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। और सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु गंगा नदी समेत दूसरे पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस साल सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही खास है, क्योंकि आज 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। हम आपको शिव भक्ति की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, जौनपुर, शाहजहांपुर और संभल से ये तस्वीरें आई हैं।